सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली आईटीआई एडमिशन 2022 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जी आपकी रैंक कब आएगी और ऑफिशियल शेड्यूल क्या कहता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आईटीआई से संबंधित मिलते रहें। प्लेलिस्ट और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको आईटीआई का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे कर एक बार बस ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जी अगर आप जानना चाहते हैं कि रैंक लिस्ट आपकी कब आएगी, तो इसके लिए आपको जो है ये शेड्यूल जो जारी किया गया है वो आपको देखना होगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना जो है वो आपके शुरू हो चुके हैं, और आज जो है वो चार जुलाई से आपके फॉर्म फिल करना शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2022 तक है। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है। अब यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ठीक है, वो आपके 2 अगस्त 2022 तक रहेंगे। तो पूरा प्रोसीजर की वीडियो मैंने बनाई हुई थी, आप उसे देख सकते हैं। फिर आप अपनी चॉइस जो फिल कर सकते हैं वो 3 अगस्त 2022 तक कर सकते हैं, और इसके बाद जो आपकी रैंक डिस्प्ले होगी है ना, टेंटेटिव रैंक, जिसमें आपका पता लगेगा कि आपकी रैंक कितनी आई है, और उस रैंक के आधार पर ही आपको पता लगेगा कि आपके एडमिशन के कितने चांसेज हैं, तो वो आपकी क्या है 5 अगस्त को आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो टेंटेटिव आएगी उसके बाद जो है जिनको भी लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स जो है वो गलत हैं और ये रैंक थोड़ी सी गलत है, तो कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है, तो उसके लिए आपको समय दिया जाता है 8 से 9 अगस्त का। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल रैंक जो आएगी आपकी, वो आएगी जी आपकी 12 अगस्त 2022 को आएगी। अब इसका जो है आप जो है अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, किस तरीके से चेक करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जब रैंक आ जाती है तो आपको एक तो मैसेज मिल जाता है जो आपका रजिस्टर मोबाइल था, दूसरा क्या है आप आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें लॉगिन होंगे, और वहां पर क्या है फाइनल रैंक डिस्प्ले का क्या है एक न्यू करके बिलिंग करता रहता है, तो वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके रैंक जो है वो शो हो जाएगी। देखिए किसी की रैंक 1 आएगी, किसी की 2 आएगी, किसी की 10,000 आएगी, किसी की 60,000 आएगी, किसी की 5,000 आएगी। आप सपोज कीजिए कि किसकी रैंक जो है वो 1 है, तो संभावित कितने चांसेस रहेंगे 1 वाले के रहेंगे। ठीक है, अब 60-70,000 हैं, तो 60-70,000 के क्या है वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीटों में बच्चे एडमिशन लेते हैं या नहीं करते हैं। तो ये रैंक जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन जब रैंक आ जाएगी, फाइनल रैंक आपकी डिस्प्ले हो जाती है, तो पहली लिस्ट जो है आपकी वो 18 अगस्त 2022 को इन्होंने बताया आपकी आएगी। ठीक है, इसमें आपका नाम आएगा, जिस भी स्टूडेंट का जो रैंक आने के बाद आपका नाम किस आईटीआई में आया है, तो ये जो है आपका पहली लिस्ट में आएगा, तो आप 18 अगस्त को चेक करेंगे, तो और भी लिस्ट के यहाँ पर दिया हुआ है। देन आपका नाम आ जाएगा, तो ये समय दिया हुआ है कि आपको अपनी आईटीआई में जो है वो रिपोर्ट करना है। ठीक है, सो ये आप समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि फाइनल रैंक कब आएगी, तो वो आपकी बताया जा रहा है कि 12 अगस्त को आएगी। ठीक है, अगर कुछ भी परिवर्तन होगा तो वो मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है वो सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।